नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है पेट्रोल पंप व्यवसाय और अल्टरनेट फ्यूल्स। दोस्तों, आजकल कई जगह यह चर्चा चलती है कि नए नए फ्यूल्स आ रहे हैं, तो क्या पेट्रोल डीजल का व्यवसाय अंततः समाप्ति की ओर हो जाएगा या फिर समाप्त प्राय हो जाएगा, लाभप्रद नहीं रहेगा। आइए इसके बारे में एक वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अल्टरनेट फ्यूल्स कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम तो CNG, LPG, प्रोपेन, मिथेनॉल, इथेनॉल, बायोडीजल और भी कई पदार्थ हैं। यह सारे पदार्थ जो मैंने बोले, ये पेट्रोलियम पदार्थों से ही बनते हैं। इसके अलावा जो पदार्थ होते हैं जो पेट्रोलियम पदार्थ से नहीं बनते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी और एक है हाइड्रोजन। दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी ही अभी प्रचलन में दिख रही है हमें, उसके टू व्हीलर फोर व्हीलर हमें दिखते हैं, लेकिन वह इतनी मात्रा में नहीं है कि ये पेट्रोल डीजल व्यवसाय को या पंप को कुछ अफेक्ट कर पाए, क्योंकि यह अभी भी प्रायोगिक अवस्था में ही है। इसे सेटल होना है, इसको अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बताना है, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस कब पता चलेगी? जब इन गाड़ियों का बैटरी रिप्लेसमेंट होगा, तब कंज्यूमर यह निकालेगा कि बैटरी कितने समय में बदली और अभी तक कितना किलोमीटर चला, तो पर किलोमीटर कितना पड़ा, तब वह कंपेयर करेगा उसे पेट्रोल से। यह बात सही है कि इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है और उसकी आज की तारीख में इजी अवेलेबिलिटी है, पर बैटरी कॉस्टिंग काफ़ी होती है। और दूसरी बात, अगर सिर्फ 10-15 किलोमीटर किसी को चलना है, तो उसे अपनी वर्तमान पेट्रोल गाड़ी छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना महंगा पड़ेगा, कॉस्ट अच्छी काफ़ी रहती है इनकी। और दूसरा, इसका पिकअप का इशू है, इतनी इफिशियंट नहीं रहती है, ये थोड़ा सा कम रहती है पेट्रोल के मुकाबले। और एक और चीज़ है दोस्तों, इसका एनवायरमेंटल असर, पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे। सारी बिजली पर्यावरण मित्रवत तरीके से नहीं बनती है, उदाहरण के लिए कोयला। और दूसरा, जो बैटरी बनती है उसके लिए केमिकल यूज़ होते हैं, और वो केमिकल माइनिंग द्वारा निकाले जाते हैं खदानों से, जो अपने आप में पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहते हैं। बड़े पैमाने पर होते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा तो और बड़े पैमाने पर होंगे। और दूसरा, हमारे देश के लिए यह बात है कि जो लिथियम वगैरह है जिनसे बैटरी बनती है इस तरह की, वो हमारे देश में कम होता है, तो आयात पर ज़्यादा उसका निर्भरता है। और वही बात पेट्रोल डीजल में है, तो इसको सेटल होने में अभी 1-2 साल लगेंगे। और दूसरी बात यह कि दोस्तों, ये सेटल हो भी जाएगा तो भी एक चीज़ और आएगी कि अगर ये पेट्रोल से सस्ता रहेगा, तो धीरे धीरे फिर पेट्रोलियम एक्सकेवेशन टेक्नोलॉजी वो भी डेवलप होती रहती है लगातार। आप याद करिए, 80-90 के दशक में यह बात आती थी, बार बार आती थी कि दुनिया का पेट्रोल डीजल अब 20-25 साल का बचा है। लेकिन क्या हुआ 20 साल बाद? और गहराई होती गई, और गहरे खोदते गए, टेक्नोलॉजी और विकसित होती गई, और आज की तारीख में तो बड़ा विस्तृत भंडार तैयार है, प्रोडक्शन कई गुना बढ़ चुका है। तो भविष्य में फिर पेट्रोल डीजल को खोजने की और परिष्कृत करने की और उसका उत्पादन करने की यह क्षमता बढ़ती जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस उधर बढ़ेगी, दूसरे किसी भी फ्यूल लगा टक्कर दी उसको तो उधर कॉस्ट इकोनॉमी काम करेगी, और वह फिर सस्ता होगा और मार्केट में अपनी जगह फिर बना लेगा।
तो यह चीज तो है कि हमेशा पेट्रोल डीजल भी चलते रहेंगे। हाँ, यहाँ पर यह बात आती है कि सीएनजी रिप्लेस करते जा रहा है डीजल को, और मुख्य उसका कारण है पर्यावरण। आयात वाली बात है तो सीएनजी भी हमारे देश में काफी मात्रा में आयात करते हैं हम। अब पर्यावरण का हम मुद्दा देखें, डीजल की गाड़ियां प्रशासन धीरे धीरे अवॉइड कर रहा है क्योंकि वो प्रदूषण करती हैं। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है जिसमें डीजल बहुत अच्छी तरीके से परिष्कृत होते जा रहा है, और गाड़ियाँ ऐसी हो रही है जिसमें इमिशन जो धुआं है वो काफ़ी कम निकलता है। तो हो सकता है भविष्य में इस तरह की डीजल रिफाइनरीज बनाने लगेंगी जिसमें बहुत कम नॉमिनल प्रदूषण होता हो। और भी टेक्निक्स आएंगी, जैसे DEF है हमारा, वो उसी दिशा में कदम है। अलावा इसके दोस्तों एक बात और है, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिचार्जिंग, उसको छोड़कर बाकी सारे पदार्थ हैं, इनके लिए किसी फिलिंग पंप फिलिंग स्टेशन की ज़रूरत रहती है, यहाँ तक के लिए हाइड्रोजन के लिए भी। तो उसके लिए सरकारों को कोई व्यवस्थित एक सिस्टम चाहिए रहेगा, और पेट्रोल पंप चूंकि एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश सिस्टम है तो इन्हीं के थ्रू इनकी बिक्री होगी। सीएनजी पेट्रोल पंपों के थ्रू ही होता है, अलग से भी पंप बने हैं उसके, लेकिन डिस्पेंसिंग तो डिस्पेंसिंग मशीन से ही होता है, और मेजोरिटी ऑफ सीएनजी पंप पेट्रोल पंपों के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके अंदर ही हैं। हाइड्रोजन के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, और दूसरा अल्टरनेट फ्यूल्स कुछ भी आ जाएंगे, सरकारें अपना रेवेन्यू नहीं खोना चाहेंगी, तो उसके लिए पेट्रोल पंप जैसे सिस्टम से बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है जहाँ पर सारी चीज़ रिकॉर्ड में रहती है, सारा टैक्स सरकार को जाता है। और एक बात और है, पेट्रोल पंपों पर पूरा व्यवस्थित सिस्टम है, गाइडलाइंस है, डिसिप्लिन है, क्वालिटी क्वांटिटी चेक हो जाता है, प्राइसिंग कंट्रोल हो जाता है। अभी आपने देखा होगा बायो डीजल का कितना चला था, तो उसमें क्या हुआ, कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं, कोई प्राइसिंग कंट्रोल नहीं, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, फिर बाद में छापे पड़ रही है, हो रहे बंद हो रहे हैं, वो सप्लाई उनको जब्ती कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ये पेट्रोल डीजल पदार्थ, पेट्रोल डीजल और पेट्रोल पंप व्यवसाय, ये हमेशा चलता रहेगा। एक बात और है, दूसरी गाड़ियाँ अगर आ भी जाती हैं ज़्यादा, तो कुल ग्रोथ काफ़ी है व्हीकल सेगमेंट में, तो ग्रोथ भी होती रहेगी, थोड़ी सी स्लो हो सकती है लेकिन यह निरंतर होती रहेगी। क्योंकि आप एक बात में विचार करिए कि अगर सभी इलेक्ट्रिक पे चले जाएंगे तो पेट्रोल डीजल फिर इतना उपलब्ध हो जाएगा, इतना सस्ता हो जाएगा कि फिर सब काफ़ी लोग फिर सोचेंगे कि इतना सस्ता, उधर जाते हम। तो ये चीज़ पैरिटी बैठती रहेगी, इनमें आपस में कुछ कंपटीशन चलता रहेगा, और ये व्यवसाय हमेशा चलता रहेगा। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि नई नई चीज़ों के बारे में पता रखें, हम ऐसी भ्रांतियों से बचकर रहें। हमारा व्यवसाय चल रहा है, चलता ही रहेगा हमेशा, नई चीज़ें हैं हमारे साथ में जुड़ती जाएंगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।